दोस्तों, क्या आपने एक खड़ी हुई लंबी सी ट्रेन में इतना सारा खाना खाया है? ऐसा कोई रेस्टोरेंट देखा है जो सिर्फ एक ट्रेन में बना हुआ है? तो मैं आपको लेके चलती हूँ राजेंद्र प्लेस पे। तो राजेंद्र प्लेस पे मुझे ये मिला चलते फिरते ऐसा रेस्टोरेंट जो इतनी बड़ी ट्रेन का बना हुआ है। मतलब मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि यहाँ पे मैं घूमते फिरते इतने लंबे ट्रेन वाले रेस्टोरेंट पे चली जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे ऑप्शन देखे। सबसे पहले तो आगे आते मुझे मिला कि ब्लैक राइस इडली भी मिलती है यहाँ पे, काले रंग की इडली। तो इससे समझ में कि ये बेसिकली साउथ इंडियन वाला है। और देखो कितनी लंबी ट्रेन है। तो और इसके सारा बाहर का ना नज़ारा कुछ ऐसा है, जो बीएल के हॉस्पिटल है ना राजेंद्र प्लेस में, उसी के ही डायगनली में पड़ता है ये वाला पद्मनाभम रेस्टोरेंट। तो ये बिल्कुल ट्रेन की शेप का बना हुआ है। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और देखते कैसा है। तो इसके कोच में गए तो इस तरीके से ये बना हुआ है, लंबी सी ट्रेन, कोच 1, कोच 2, कोच 3, कोच 5, इस तरीके से बना हुआ है। और अंदर जाते ही पूरा ये साउथ इंडियन स्टाइल में, सारी पिक्चर इसमें साउथ इंडियन स्टाइल की बनी हुई है और कोचेस के नाम के। और अंदर जाते ही सबसे पहले हमें यहाँ पे मिली तिरुपति बालाजी की मूर्ति, जिसके सामने मेरी मम्मी ने कहा मैं तो चप्पल लेके नहीं जाऊंगी। वेलकम। और ये ना सांबर टाइप है, मतलब सांबर और सूप का बीच का वो है, आप पी भी सकते हो उसको, खा भी सकते हो। काफी हेल्दी लग रहा है। आओ देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। अच्छा, एक बड़ा कॉम्बो है और एक आपको बता रहे हो इडली कॉम्बो है, ठीक है। और यदि ऐसा कुछ लेना हो, डोसा और इन सब का कॉम्बो लेना हो कुछ, चट्टी नाडू पनीर परोठा, परांठा नहीं परोठा। एक हमने मंगाई है ताहिर वड़ा, ये कुछ काइंड ऑफ दही बल्ला टाइप है, ये भी ट्राई करते हैं। ये भी अच्छा होगा भैया? अच्छा होता है। एक ये कर दो और एक वो हमारा पनीर परोठा, ये दो लेते हैं। ठीक है। चटनार पनीर परांठा, ओके। ये लच्छेदार परांठा है इनका, और ये कुछ कढ़ाई पनीर टाइप लग रही है मुझे, ये पनीर है। और इन्होंने वही पत्ते पे सर्व किया, जैसे पत्ता स्टाइल है, नीचे प्लेट भी है लेकिन पत्ते पे सर्व किया, काफी अच्छा। हाँ प्रॉपर पत्ता। अब इसको टेस्ट करते हैं, बताता हूँ। चम्मच दो अब इसकी करते हैं टेस्टिंग। अच्छा बढ़िया। ये केरला स्टाइल पराठा है और ये प्योर मैदे से बना हुआ है। आपने कई वीडियोस में देखा होगा ऐसे ऐसे करके वो पराठा बनाते हैं, लच्छेदार पराठा वो है। और साथ में इन्होंने पनीर ऑलमोस्ट यू मान लो पनीर मखनी टाइप सर्व किया है, लेकिन टेस्ट अच्छा है, खा सकते हैं, काफ़ी डिलीशियस। और देखने में भी देख रहे हैं यार क्या मज़ेदार, थिक ग्रेवी वाला, केले के पत्ते पे सर्व किया और क्या चाहिए भैया, ट्रेन में बैठ के खा रहे हैं। एक दो तीन लेयर्स गिनते रहो और परांठे के मजे लो साथ में पनीर, भाई ट्राई कर सकते हो। हम साउथ इंडियन उस पर आए हैं, हम डोसा वगैरह नहीं खा रहे हैं, हमने सोचा कुछ अलग खाते हैं। और ये केरला स्टाइल परांठा है और साथ में ये पनीर, मजे लो। हम कुछ अनोखे हैं, मेन कोर्स के बाद हमने स्टार्टर्स मंगा लिए जो है ताहिर बड़ा। अभी इसको देखते हैं कैसा है, इन कोर्स निपटा लें फिर आएंगे स्टार्टर्स पे, उल्टा खेल रहे हम। तो इसको निपटाते हैं, बहुत टेस्टी है, इसको फटाफट निपटाते हैं और फिर स्टार्टर्स पे जाते हैं। ताहिर वड़ा, दही बल्ले खाए होंगे, दही वड़ा खाया होगा, केरला का ताहिर वड़ा खाएंगे। इसके ऊपर से टमाटर ऐसा सजा के रखा हुआ, जैसे बहुत महंगा है ना, एक टमाटर सजा के रख दिया नीचे, दही बल्ले जैसा ही लग रहा है, दही में से निकाला है मैंने बड़ी मुश्किल से।
दही भल्ला है मीठे वाला, मीठा दही भल्ला है। आ गया था, दो बल्ले दिए इन्होंने बड़े बड़े साइज के, इडली के साइज के बल्ले हैं, जैसे वो नहीं होता आपका बड़ा होता है वैसे इन्होंने बल्ला बनाया। और दही से लबालब है, और इन्होंने क्या कहा जो मार्केट में दही बल्ले मिलते हैं उसमें पापड़ डलते हैं, इसमें पापड़े की जगह पकौड़ी को डाला है, जो बूंदी होती है ना अपनी रायते वाली वो डाला, और ऊपर टमाटर का क्या लॉजिक है मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़े से अनार भी डाले। तो जब हमने ना ऑर्डर किया था ना तो नाम बड़ा ना अजीब अलग सा था, ताहिर बड़ा, मैं सोचा कुछ अलग होगा, बट मुझे पता था कि दही बल्ले जैसा कुछ हो मिलता जुलता ही होगा। तो अब जो ये वड़ा है ना इसमें एक तो क्या है कि मीठी दही है, जैसे हमारे दही बल्ले खाते हैं ना चटपटी होते हैं, तो ये बिल्कुल मीठी दही है। और हाँ थोड़ा सा खाओगे आधा? नहीं तुम खाओ। टेस्ट बताओ कैसा? अच्छा, पान जैसा नॉर्मल या थोड़ा सा ये कैसा? दूसरे उससे डिफरेंट पान है क्योंकि इसमें नारियल है, नारियल और बूरा। बट जैसे लोग वेलकम ड्रिंक देते हैं वैसे तुमको गुड बाय तो कुछ कुछ रखना है। ये भी चार्जेबल है और कितना? 41 रुपीज़। खाओ खा तुम खाओ। कल देखो शायद कुछ मंगाया था, एक हमने मंगाया था पनीर परोठा 424, ताहिर बड़ा जो थोड़ा हमें मीठा लगा 217, और ये था बीड़ा पान 41 ईच। तो हमारा बिल आया 835। हाँ पान के बाद खा रही हूँ।